वेलकम टू स्टेप अप। आइए, स्वागत है आप सभी लोगों का द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज है 20 जून 2018। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज इम्पॉर्टेंट हैं। आज द इंडियन एक्सप्रेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छे आर्टिकल्स को पब्लिश किया गया है। व्हेन यू कंपेयर टू द हिंदू, तो आज द हिंदू में उतने अच्छे आर्टिकल्स नहीं जितने अच्छे आज द इंडियन एक्सप्रेस में है। हालांकि ये वेरी करता रहता है, कई बार द हिंदू में बहुत अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, एक्सप्रेस में नहीं होते। व्हाट आई वांट टू से यू दैट यू कैन नॉट इग्नोर एक्सप्रेस वेदर यू आर रीडिंग द हिंदू और नॉट। ठीक है, तो आपको एक्सप्रेस को इग्नोर नहीं करना है। आइए देखते हैं कि कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। ये यहाँ पर आर्टिकल देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में जो एक कोलेशन गवर्नमेंट चल रही थी पीडीपी की और भाजपा की, भाजपा ने अपने आप को उस कोलेशन से बाहर निकाल लिया है, जिसके बाद वहाँ की जो सीएम है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो आसार यही लगाए जा रहे थे कि इसके बाद वहाँ पर गवर्नर का रूल लगा दिया जाएगा। हालांकि आर्टिकल में ये बातें नहीं है, न्यूज़पेपर में अभी आया भी नहीं है, बट मॉर्निंग में जो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में गवर्नर के शासन के लिए, उनके रूल के लिए अपनी संस्तुति दे दी है। तो वहाँ पर अभी गवर्नर का रूल जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट है, आप इतना जानते रहिए। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। चंदा कोचर जी जो है वो ICICI में जो अभी एक प्रॉप चल रहा है, केस चल रहा है, उसमें है। तो एक जो पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे एलिमिनेट कर दीजिए। ये आर्टिकल गेमिंग डिसऑर्डर के बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। गेमिंग डिसऑर्डर क्या है और अभी ये न्यूज़ में क्यों है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल से। ये सेंटर का आर्टिकल जो है वो GST के आउटकम के बारे में चर्चा करता है। अभी कुछ पॉजिटिव आउटकम्स GST के बारे में हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ये आर्टिकल वुमेन की सिचुएशन के बारे में चर्चा करता है। जो राइटर हैं वो एक फेमिनिस्ट हैं, तो जो व्यूज़ हैं वो थोड़े से ज़्यादा रेडिकल हैं, स्टिल वी वुड डिस्कस। कुछ बातें आपके काम की ज़रूर हैं, तो हम उन पर चर्चा करेंगे। इस पेज पर आइए, ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन द इशू ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया को डेवलप कंट्रीज़ के ग्रुप में या फिर ब्लॉक में रख सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल से बताया गया है इस आर्टिकल में। हम डिटेल से चर्चा भी करेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप्स के बारे में है इंडिया में, जो सिनेरियो अभी उनका चल रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। ये नीचे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बातें ऑनलाइन पर्सनल गाइडेंस के बारे में है। आप हमें इस प्रोग्राम के लिए अप्रोच कर सकते हैं। वैसे 18 जून से जो बैचेस स्टार्ट होनी थी वो स्टार्ट हो चुकी हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही। तो जो लोग उन बैचेस के लिए इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो नेक्स्ट बैचेस के लिए इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, अभी नेक्स्ट बैचेस अनाउंस्ड होनी है तो उनके बारे में जो डेट्स आएंगी वो मैं आपको बहुत ही जल्दी इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी ये पर्सनल गाइडेंस का प्रोग्राम है, जो कि आप अपने पर्सनल एंड पे कभी भी शुरू कर सकते हैं। इसमें एक एक्सपीरियंस्ड कोच होते हैं जो आपकी तैयारी करवाते हैं विद द इंटेंस राइटिंग प्रैक्टिस, जिसका 4 महीने का पूरा प्लान होता है। टाइम मैनेजमेंट करवाया जाता है थ्रू दी टाइम मैनेजमेंट डायरी। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा होती है। इसके अलावा कुछ और भी टेस्ट होते हैं, लाइक ग्रुप टेस्ट, ओरल टेस्ट, इंस्टेंट टेस्ट एट्सेट्रा। ये है कोर्स डायरी और ये है टाइम मैनेजमेंट डायरी, जिस पर आपको काम करना होता है। हालांकि ये सब काम आपको वैसे भी करने हैं, आप प्रोग्राम ज्वाइन करें या फिर ना करें। राइटिंग प्रैक्टिस आपको हर दिन करनी है। आप कोशिश करिए कि 2 से 3 आंसर्स एटलीस्ट आप लिखिए। नहीं 2 से 3 लिख पा रहे हैं तो कम से कम एक तो ज़रूर लिखिए। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आप, अगर आपके पास ये डायरी नहीं है तो इसका देखिए फॉर्मेट बड़ा इजी सा है। जो कुछ लिखा है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद से भी इसका फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं या नॉर्मली अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, बट करें ज़रूर, मुद्दा ये है। बाकी ये प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसको, अगर आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। बट मैं ये बातें तब के लिए बता रहा हूँ जब आप इस प्रोग्राम को नहीं ज्वाइन कर रहे हैं या फिर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। नॉट नेसेसरली हर व्यक्ति कोई प्रोग्राम ले सकता है, स्टिल जो ले सकते हैं उनके लिए ठीक है, बट ये काम इसेंशियल है इस तैयारी के लिए, जिसे आपको करना ही करना है। आइए बात करते हैं ऐसे राइटिंग के बारे में। कोटेशन है ईएम फोस्टर का, स्पून फीडिंग इन द लॉन्ग रन टीचेस अस नथिंग बट द शेप ऑफ द स्पून। अगर स्पून फीडिंग करवाई जाएगी तो एंड में क्या होगा आपको यही पता चलेगा कि स्पून का शेप क्या है, बाकी आप कुछ भी और नहीं सीखेंगे। दैट्स वाई जब हम डिस्कशन करते हैं तो वी ट्राई टू एक्सपेंड एन एनालिटिकल व्यू, ताकि आप चीज़ों को खुद से समझें, उसका एनालिसिस करें, और हम वही प्रयास भी करते हैं। स्पून फीडिंग का मतलब होता है प्रॉपर सब कुछ आपके सामने रख देना, वो सही भी नहीं होता। फैक्ट यही है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। यहाँ पर एक फैक्ट है कि भारत में 10 बच्चे जो स्कूलिंग कंप्लीट करते हैं उनमें से केवल 1 बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जाता है। तो इंडिया में जो रेशियो है वो बहुत कम है, जस्ट 11%, जबकि US में ये रेशियो 83% है। यहाँ पर हमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो इन फैक्ट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, पहला आर्टिकल देखते हैं, GST अ बॉयंट फोर्स। बॉयंट का मतलब होता है उछाल लगाना, आगे बढ़ना।
पेपर टू से टॉपिक को जोड़िए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वाले सेक्शन से। जीएसटी से देखिए, अभी जो रेवेन्यू हमें मिला है वो काफ़ी ज़्यादा है, जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा, तो उसी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जो फिस्कल ईयर है उसमें लगभग एक साल पूरा होने वाला है जब जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था। 1 जुलाई से लास्ट ईयर इम्प्लीमेंट किया गया था, अभी लगभग जून ख़त्म होने वाला है, आज 20 जून है, तो 10 दिन बाद हमारा जो जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन को एक साल पूरा हो जाएगा। जो अभी हमारे पास डेटा अवेलेबल है वो 9 महीनों का अवेलेबल है, उसके हिसाब से जो हम एनालिसिस कर पा रहे हैं, एज़ पर दैट एनालिसिस जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हुआ है, चाहे वो कंट्री के लेवल पे हो या फिर इंडिविजुअल स्टेट्स के लेवल पे हो। तो ये जो डेटा है ये काफ़ी इनकरेजिंग है, इसी के बारे में आइए हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। देखिए, कुछ पॉजिटिव हमें देखने को मिले हैं, 3 पार्ट्स में पूरे आर्टिकल को डिवाइड किया गया है, तो हम पहला हिस्सा यहाँ पर देख रहे हैं। पहला, तो हमने देखा कि जो रेवेन्यू था वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। इकोनॉमिक सर्वे ने भी यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन शो की थी, वो एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि कुछ ग्लिंचेस थे जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद, जैसे उसका जो आईटी इंफ्रा था वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था शुरुआती दौर में, और भी कई सारी दिक्कतें थी, इकोनॉमिक ग्रोथ वैसे भी नीचे जा रहा है, तो वहाँ पर ऐसा सोचा जा रहा था, ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है कि जीएसटी के बाद इम्प्लीमेंट होने के बाद जो रेवेन्यू है उसमें कमी आ जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। रेवेन्यू में हमें ग्रोथ देखने को मिली। 9 महीनों का जो डेटा है उसके हिसाब से अभी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 8.2 लाख करोड़ है। अगर हम इसे एनुअल एस्टिमेशन में कन्वर्ट कर दें तो एक साल में जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 11 लाख करोड़ होगा इनफैक्ट। और ये जो कलेक्शन है ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जब जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं हुआ था उससे 11.9% ज़्यादा है, मतलब लगभग 12% ज़्यादा है। तो अच्छी बात है, जीएसटी के इंप्लीमेंट होने के बाद रेवेन्यू बढ़ा है। रेवेन्यू ग्रोथ में जो बॉयंसी हमें देखने को मिल रही है ये सरप्राइजिंग इसलिए भी है बिकॉज कई सारी दिक्कतें हमारी इकॉनमी अभी प्रेजेंट में फेस कर रही है, और उन प्रॉब्लम्स के चलते हम ये सोच रहे थे कि जो रेवेन्यू है वो कम होगा, स्टिल दैट इंक्रीज। जैसे कि जीएसटी को इम्प्लीमेंट करते समय बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, बहुत सारा जो टैक्स था उसमें चेंजेस किए गए थे, आईटी इंफ्रा अच्छे से काम नहीं कर रहा था, जीएसटी नेटवर्क अच्छे से काम नहीं कर रहा था, स्टिल जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो अच्छा हुआ और जो टैक्स का या फिर जो रेवेन्यू का जनरेशन था वो बढ़ा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो इंडिया की ग्रोथ है वो नीचे जा रही है, वो चाहे नॉमिनल हो या फिर रियल हो, तो इस लिहाज से हमें लग रहा था कि जब कंट्री की ग्रोथ नीचे है तो रेवेन्यू कलेक्शन कैसे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इस वजह से भी ये सरप्राइजिंग था। तीसरी बात कि कई सारी कंडीशंस में देखिए बाद में जीएसटी के रेट्स में कुछ रिडक्शन भी किए गए थे, तो उस लिहाज से भी ये समझा जा रहा था कि रेवेन्यू थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो डिस्पाइट दीज 3 ग्लिंचेस जो कलेक्शन था वो बढ़ा, तो काफ़ी अच्छा माना गया, पॉजिटिव आउटकम हमें मिला। दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए, कंपनसेशन का मुद्दा था। जब जीएसटी को 2016 में इंप्लीमेंट किया जा रहा था और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया गया था, तो उस समय कई सारे स्टेट्स ने ऐसी चिंता जताई थी कि जीएसटी के इंप्लीमेंट होने के बाद जो उनका रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। ये ऐसे स्टेट्स थे जो अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे जो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनका इंटर स्टेट ट्रेड काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो स्टेट्स एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं अपने स्टेट से बाहर के स्टेट में, उनको डेफिनेटली रेवेन्यू ज़्यादा हासिल होता है, उनके यहाँ प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। तो उन स्टेट्स ने ऐसी चिंता जाहिर की थी, उस चिंता को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था कि उनका जो लॉस होगा उसे कंपनसेट किया जाएगा। लेकिन अभी जो एनालिसिस हमें मिल रहा है, जो हम अभी एनालिसिस कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से जो कंपनसेशन हमें देना है वो बहुत कम है। कंपनसेशन जो अभी ऐसा देखिए शुरुआती दौर में भी एस्टिमेट किया गया था, अभी जो कंपनसेशन हमें देना पड़ेगा दैट वुड बी जस्ट 5,000 करोड़ to 10,000 करोड़। इसका कारण क्या है? बिकॉज जो इंडिविजुअल स्टेट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ अचीव करी है। ऐसे स्टेट्स जिनके बारे में ये माना जा रहा था कि जीएसटी का फ़ायदा इन्हें होगा बिकॉज इनके यहाँ इंटरस्टेट ट्रेड नहीं है, इनके यहाँ प्रोडक्शन नहीं है, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद। इस वजह से दूसरी बात कि अभी ऐसे स्टेट्स जहाँ पर हम ऐसा मान रहे थे कि उनका प्रोडक्शन कम है इसीलिए जीएसटी से उनको फ़ायदा होगा, वहाँ पर भी लगभग 14% रेवेन्यू की ग्रोथ हमने साइट की है, देखी है। कई सारे जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए हैं उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, और आगे जैसे ईवे बिल वगैरह को अभी इम्प्लीमेंट किया गया है, ईवे बिल के बारे में आप जानते हैं, आरएफआईडी टेक्निक का इस्तेमाल करके आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली अपना टोल टैक्स पे कर सकते हैं, तो उसके बाद ऐसे जो डेवलपमेंट किए जा रहे हैं 14% से ज़्यादा ग्रोथ होने की संभावना है जो रेवेन्यू स्टेट्स को मिल रहा है उसमें। तो ये दूसरा डेवलपमेंट हमें जीएसटी के बाद देखने को मिला। तीसरा ऑब्जर्वेशन जो जीएसटी के बाद हम देख पा रहे हैं दैट इज़ कि जो कंज्यूमिंग स्टेट्स थे जहाँ पर रेवेन्यू कम आता था वहाँ पर भी रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, जो शुरुआत में उनके खिलाफ चिंता व्यक्त की जा रही थी, जिसमें ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं, यूपी, राजस्थान, एमपी, दिल्ली, केरला, वेस्ट बंगाल, वहाँ पर पोस्ट जीएसटी जो शेयर्स हैं उनके रेवेन्यू का वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है।
संभवतः कई सारे जो स्ट्रक्चरल चीज़ें की गई हैं उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, जैसे कि जो टैक्स रेट का स्ट्रक्चर है उसको काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया गया है, टैक्स बेस इंक्रीज हुआ है, जो सेक्टर्स एग्जेम्प्टेड हैं उनका क्लियर कट डेटा है अभी हमारे पास, और प्रोसीजर्स को काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, और इन कारणों से आने वाले समय में रेवेन्यू और भी बढ़ेगा। तो ये हमने कुछ पॉजिटिव्स देखे जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद। रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से आर्टिकल कहता है कि काफ़ी अच्छे आउटकम हमें मिले हैं डिस्पाइट वेरियस हेडविंड्स, मतलब कई सारे कंस्ट्रेंट्स हमें देखने को मिल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हो सकता है डेवलपमेंट नहीं होगा, रेवेन्यू घटेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। इसका फ़ायदा ज़्यादातर उन स्टेट्स को हुआ है जो कि कंज्यूमिंग स्टेट्स थे, जो लेस डेवलप्ड थे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने जीएसटी के बारे में देखा। अगला आर्टिकल देखते हैं विद सेवियर्स लाइक दीज, पेपर दूसरे टॉपिक को जोड़िए, मैकेनिज्म लॉज इंस्टीट्यूशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस। आर्टिकल कहता है कि जो लोग मुस्लिम वुमेन को सिक्योर करते हैं वो ही उनकी पावर या उनका जो स्टेटस है उसको अंडरमाइन करते हैं। आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, क्या अब जो राइट विंग फोर्सेस हैं वो भी फेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको तवज्जो देने लगे हैं? क्या वास्तव में मुस्लिम वुमेन को सेव करने की ज़रूरत है? क्या बहन बेटी बचाओ या एंटी रोमियो स्क्वाड के जरिए हिंदू महिलाओं को मुस्लिम मेन से बचाने की ज़रूरत है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें ढूंढना होगा, क्योंकि लॉ कमीशन ने अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ रिफॉर्म पर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने लेटेस्ट राउंड के कंसल्टेशन स्टार्ट किए हैं, बिकॉज उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ काम सौंपा गया है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में अपनी कुछ रिकमेंडेशंस सौंपे, जिसके लिए उन्होंने कुछ काम शुरू भी कर दिए हैं। उन्होंने कई सारे स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन स्टार्ट किया है, इंक्लूडिंग एनजीओज, वेरियस रिलीजियस लीडर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स। देखिए, हाल के सालों में हमने ये देखा कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस बात पर फोकस कर रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को बचाना है, रेस्क्यू करना है। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी इसी पर फोकस कर रहा था, जैसे ट्रिपल तलाक का एक जजमेंट आया। सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म, गवर्नमेंट पॉलिसी, मीडिया डिबेट, सभी का फोकस इसी मुद्दे पर था। फर्दर यहाँ पर जब हम कारण के बारे में एनालिसिस करते हैं तो एक महत्वपूर्ण कारण सभी लोग फोकस करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि रिलीजन इज द सोल रीजन जिसकी वजह से मुस्लिम महिलाओं का पर्सिक्यूशन हो रहा है। इस्लाम या फिर इस्लामिक लॉ उनकी समस्याओं की मूल जड़ है, और जो मुस्लिम मेन हैं वही सबसे बड़े अपराधी हैं। आर्टिकल कहता है कि इस तरीके का जेंडर जस्टिस का इंटरप्रिटेशन करना ये गलत है कई तरीके से। कुछ पॉइंट्स पॉलिटिकल हैं जिन्हें मैंने एलिमिनेट किया है, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जिन पर चर्चा करते हैं। आर्टिकल पहले ये कहता है कि देखिए, मुस्लिम वुमेन डेफिनेटली इस समय सबसे ज़्यादा पर्सिक्यूटेड माइनॉरिटी हैं। उन्हें कई तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं मिलते, सिटीजनशिप का, लाइफ, लाइवलीहुड, और भी जो बेसिक सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हैं वो उनके थ्रेट में रहते हैं। लेकिन देखिए, जेंडर ऑप्रेस जो उनका ये स्टेटस है उसके लिए हमें एक इंक्लूसिव अप्रोच अपनाना पड़ेगा। दूसरी बात वो कहती हैं कि जो कल्चर और रिलीजन को सोल रीजन के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाता है मुस्लिम महिलाओं की बैकवर्डनेस के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए, ये भी गलत है। ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे मुस्लिम वुमेन ही भारत में ऐसी हैं जो कि परसिक्यूटेड हैं, और मुस्लिम मेन की पैट्रियार्की का वो सबसे बड़ा शिकार है। ऐसा नहीं है, ये समस्या इंडिया में लगभग हर महिला के साथ है, और इसके लिए हमें काम करना होगा। जैसे आईपीसी का जो एक सेक्शन है जिसके तहत मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, आर्टिकल कहता है कि ये समस्या तो भारत की हर महिला के लिए है, तो हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। इलस्ट्रेशन के तौर पर ये कहते हैं कि जो लोग जेंडर जस्टिस के नाम पे महिलाओं के अधिकारों के लिए बात करते हैं, उन्हें सिक्योर करने का प्रयास करते हैं, वो खुद ही उनके अधिकारों को अंडरमाइन करते हैं। वो जो हादिया केस था उसका एग्जाम्पल देती हैं, कहती हैं कि देखिए, उनके केस में जुडिशरी से लेके हर जो सिविल सोसाइटीज से उन्होंने यही फोकस करने का प्रयास किया कि उस महिला को बरगलाया गया है, और उन्होंने जिन्होंने वो हिंदू गर्ल थी, उन्होंने विवाह करने के बाद, शादी करने के बाद खुद को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था, यही फोकस किया गया कि उन्होंने इस्लाम में जो अपने आप को कन्वर्ट किया है वो उनकी खुद की इच्छा नहीं है। तो यहाँ पर जो उनकी खुद की एजेंसी है, जो उनका खुद का राइट है, उसको डिनाई किया जा रहा है। तो ये आर्टिकल पूरा फोकस करता है। कंक्लूजन में यही कहा गया है कि हमें फेमिनिज्म का सिलेक्टिव अप्रोच नहीं लेना चाहिए, बिकॉज जो फेमिनिज्म है ये कोर कॉन्सेप्ट है जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वुमेन को एक मूवमेंट के तौर पे इस चीज़ को रिजेक्ट करना चाहिए। तो पूरा आर्टिकल हमने देखा, थोड़े से रेडिकल व्यूज थे, बट आप जानते रहिए। अगला आर्टिकल देखते हैं, प्लेइंग टू हार्ट, पेपर टू से टॉपिक को जोड़िए, हेल्थ वाले सेक्शन से। WHO ने अभी गेमिंग डिसऑर्डर को एक एडिक्शन के फॉर्म में क्लासिफाई कर दिया है। तो आइए देखते हैं इस आर्टिकल के बारे में थोड़ी सी बातें। देखिए, काफ़ी पहले से हम ये देख रहे हैं कि वीडियो गेम्स का जो प्रचलन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। वीडियो गेम्स का बच्चे बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे
कई तरीके की समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, जैसे उनका मूड स्विंग हो जाता है, वो आइसोलेशन फील करने लगते हैं, बाद में सिंगल माइंडेड परस्यूट उनका हो जाता है वर्चुअल गोल्स के लिए, और अल्टीमेटली जो डिप्रेशन क्रिएट होता है वो कई बार डेथ में भी कन्वर्ट हो जाता है। WHO ने इन्हीं सारे कंक्लूजन्स को तवज्जो दी और उन्होंने गेमिंग डिसऑर्डर को एक सेपरेट एडिक्शन के फॉर्म में क्लासिफाई कर दिया। हालांकि देखिए, ये तो सच है, आप इसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऐसा करने के बाद जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर एक पैनिक क्रिएट होगा, लेकिन हम एक बात सोच सकते हैं कि क्या बच्चा अगर केवल गेम खेल रहा है, वो अपना उसकी वजह से स्कूल वर्क नहीं कर रहा है, या फिर वो शाम को बाहर खेलने नहीं जाता क्योंकि वो रूम में बैठ के गेम खेलता है, महज इस आधार पर हमें ये मान लेना चाहिए कि वो बच्चा एडिक्ट हो चुका है? अगर नहीं, तो इस तरीके के सेपरेट क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? गेमिंग को एक तरीके का डिसऑर्डर बना देना, इसका क्या मतलब है? वास्तव में आर्टिकल इस चीज़ को फेवर करता है, कहता है इसका मतलब है क्योंकि कई बार ये जो गेमिंग है ये मूवी ग्रेड के रियलिस्टिक ग्राफिक्स दिखाते हैं, जिससे बच्चा उससे बहुत क्लोजली जुड़ जाता है, बहुत ही इन्वॉल्व स्टोरी लाइन होती है, गेम में एक अच्छी सी स्टोरी चल रही होती है जिसमें बच्चा बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो जाता है, फिर उसके लिए उसकी उस चीज़ से अपने आप को बाहर करना काफ़ी मुश्किल होता है, और कई बार तो हाइपर रियल सेक्स गेम्स भी क्रिएट किए जा रहे हैं जिसमें वायलेंस भी दिखाया जाता है, कुछ वायलेंस वाले गेम्स भी हम देखते हैं। ऐसे जो गेम्स हैं वो कई बार बच्चे का जो डिफरेंशिएशन है रियल वर्ल्ड से उसको ही अलग कर देते हैं, वो एक ऐसी दुनिया को सच्चाई मानने लगता है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये एक बहुत ही कोर प्रॉब्लम है जो बच्चे की साइकोलॉजी में एक बहुत ही कोर डिफरेंस क्रिएट करने लगती है, और इस आधार पर इसे डिसऑर्डर माना जा सकता है और इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत भी है। दूसरी बात कि अगर बच्चा बहुत लंबे समय तक स्क्रीन पर बैठा हुआ है तो डिप्रेशन, हेल्थ प्रॉब्लम, ये सारी समस्याएं भी आने की पूरी संभावना रहती है। WHO ने जो क्लासिफिकेशन किया है इससे किसी भी तरीके से गेम खेलना मना नहीं हो जाएगा या वीडियो गेम्स पर कोई पाबंदी तो नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी देखिए, अगर आप एग्जांपल के तौर पे बात करें, अल्कोहल को कंज्यूम करना नुकसानदेह है, मैरिजुआना के ओवरडोज से किसी की मौत हो जाती है, इसके केसेस भी हमारे पास कम ही आते हैं, बट फिर भी उन पर मॉनिटरिंग की जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से कितना नुकसान होता है गेमिंग से, इसके बारे में बहुत क्लियर कट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट स्टिल हमें उस पर निगाह रखने की आवश्यकता है। अगर बच्चा एक फिक्शनल लाइफ जीने लगता है, एक वर्चुअल वर्ल्ड को आधे तौर पे सच्चाई मानने लगता है, तो ये पेरेंट्स के लिए एक चैलेंज है और इसे प्रॉब्लम माना जाना चाहिए। WHO के क्लासिफिकेशन के बाद डेफिनेटली एक रास्ता तैयार हो गया है कि हम और एक्सप्लोर करें गेमिंग डिसऑर्डर के बारे में, और इसके बारे में जो प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही हैं उनके समाधान की ओर एक प्रयास करें। तो ये आर्टिकल हमने देखा। अगला आर्टिकल देखते हैं, ग्रोथ इन द मशीन, पेपर 3 से टॉपिक को जोड़िए IT स्पेस कंप्यूटर एंड रोबोटिक्स वाले सेक्शन से। आर्टिकल कहता है कि अगर इंडिया ने अच्छा काम किया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया को बहुत आगे ले जा सकता है। आइए बात करते हैं। देखिए, इंडिया के पास अभी डेवलपिंग कंट्री होने का एक टैग है। अगर इंडिया चाहता है कि इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज़ के एक ब्लॉक में चला जाए तो इंडिया को आने वाले 10 सालों में बहुत ही अच्छी प्लानिंग करनी होगी। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जिस तरीके से ग्लोबल सिनेरियो में बदलाव हो रहा है, हम काफ़ी लंबे समय तक एक ट्रैप में फंस जाएंगे जहां पर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के ब्लॉक में ही रह जाएंगे, और इसके लिए हमें कुछ काम बहुत तेज़ी से करना होगा, हमें कुछ बदलाव बहुत तेज़ी से करने होंगे। इसके लिए इंडिया को आने वाले 10 सालों में जो प्रोडक्टिविटी है इंडिया की, उसको बहुत ही तेज़ी से बढ़ाना होगा। अब इस समय ग्लोबल सिनेरियो कुछ ऐसा है कि जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के क्लंच में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। इस कंडीशन में इंडिया को अगर आगे बढ़ना है तो प्रोडक्टिविटी के फील्ड में हमें कुछ सिग्निफिकेंट करना होगा। हालांकि माना इस समय टेक्नोलॉजी का गोल्डन एज चल रहा है, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, फिर भी ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैं ये किसी भी तरीके से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी का खोज किया गया, थॉमस एडिशन ने जब बल्ब की खोज की, या फिर कार, एयरप्लेन या फिर ट्रेन्स की खोज के बाद जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिला था, अभी के जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं वो उन चीज़ों का मुकाबला किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन गूगल के सुंदर पिचाई ने कहा कि हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर हम अच्छी तरीके से डेवलप कर पाए तो उसका जो प्रभाव होगा
बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा इलेक्ट्रिसिटी या फिर आग की खोज के बाद हुआ था। ये खोज उतनी ही ज़्यादा रिवोल्यूशनरी हो सकती है। डेफिनेटली सुंदर पिचाई जी बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। सो आइए बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से इंडिया की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी करता है और उसके अंदर जो लर्निंग कैपेबिलिटी होती है वो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकता है। आने वाले समय में इंडिया बिल्कुल एक अच्छे तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में एक अच्छा प्लेयर माना जा रहा है। फिर भी PwC, प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर है, ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर है, इनका हेड ऑफिस जो है वो लंदन में है, उन्होंने बताया कि 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो ग्लोबल GDP है वो लगभग 15.7 trillion बढ़ जाएगी। लेकिन जो GDP में इंक्रीज होगी इसका 7 trillion चाइना कवर करेगा, 7.3 trillion USA और कनाडा कवर करेंगे। उनके हिसाब से ही इंडिया जो है वो हो सकता है 2035 तक भी 1 trillion के नीचे ही रहे। अगर आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं तो आपके दिमाग में बहुत ही पेटी चीज़ें आती हैं, लाइक ऑटो करेक्ट जो मोबाइल में होता है, स्मार्ट स्पीकर्स, या फिर जब आप किसी एक शूज़ के बारे में सर्च कर लेते हैं तो बार बार उसी का एडवर्टीजमेंट आपके सामने आता है। दैट इज़ द फंक्शंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। इसके अलावा कुछ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे ध्यान में सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ जाती हैं, कैशियरलेस स्टोर्स आ जाते हैं, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स आ जाती हैं। लेकिन इनका एडवांसमेंट इंडिया में कितने लोग फील कर पाते हैं या कितने लोग इन सारी चीज़ों से प्रभावित होते हैं? इंडिया में केवल 30% लोगों के पास ही स्मार्टफोन है। रोड्स की कंडीशन माशाल्लाह क्या है आप लोग जानते हैं। अगर वहाँ पर उन रोड्स पर सेल्फ ड्राइविंग कार चलाई जाएँ तो क्या स्थिति बनेगी, यू कैन इमेजिन। और बहुत सारे एरियाज इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइट की एक्सेस है ही नहीं। तो मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी इंडिया में प्रेवलेंट है उसका प्रभाव भी इंडिया के लोगों के ऊपर बहुत कम है। विदाउट क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में USA और चाइना लीड कर रहे हैं। हालांकि इंडिया के लिए ये एक यूनिक क्वेश्चन है। तीन तरीके से जो इंडिया है उसके पास एक अच्छा स्कोप है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि क्या स्कोप है AI का इंडिया में? पहला, इंडिया के पास एक वर्सटाइल प्लेटफॉर्म है। इंडिया में आधार, जो कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है सभी लोगों को, इसके जरिए बिलियंस से ज़्यादा लोगों को जोड़ा गया है। मतलब अब हमारे पास डेटा को कलेक्ट करना, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फॉर्म में इस्तेमाल करना, ये काफ़ी आसान होगा, बिकॉज हमने ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म किसी भी देश के पास नहीं। तो हमारे पास एक अच्छा स्कोप है थ्रू दी आधार। पॉइंट नंबर टू, की एक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर को अच्छा इन्वेस्टर माना जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में, और जो बहुत बड़े बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेयर्स हैं वो इंडिया में अभी एक्टिव हैं, और इस लिहाज से इंडिया तीसरे नंबर पर आता है जहां पर प्राइवेट इन्वेस्टर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में ईगर हैं, उत्साह रखते हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जस्ट आफ्टर USA एंड चाइना। इस लिहाज से इंडिया यूरोप से आगे है। यूरोप के साथ कुछ और भी दिक्कतें हैं, जैसे वहां पर कुछ स्ट्रिक्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ हैं, रेगुलेशंस हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में वो यूरोप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। इंडिया में अभी भी जो इकोसिस्टम है इस फील्ड में वो पॉजिटिव है, तो इस लिहाज से भी हमें एज है। तीसरी बात, एबंडेंट एप्लीकेशन। इंडिया में उसके एप्लीकेशन का यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिस तरीके से इस्तेमाल इंडिया में किया जा सकता है शायद ही किसी और देश में किया जा सकता हो। इमेजिन करिए कि अगर हमें डेंगू और चिकनगुनिया को ट्रैक करना हो तो इंडिया में ये कितनी बड़ी समस्या है, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस क्रिएट करती हैं ये सारी चीज़ें। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम इन्हें क्योर कर पाएँ या इनकी मॉनिटरिंग कर पाएँ तो कितना आसान होगा चीज़ों को सॉल्व करना। जैसे कि AI प्रोजेक्ट एक चलाया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, प्रोजेक्ट प्रीमोनिशन, जिसके जरिए उन्होंने ट्रैक किया था कई सारी बीमारियों को जो मॉस्किटोज के जरिए होती है। इनफैक्ट मॉस्किटोज को खुद ही एक डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। कैसे? जैसे मॉस्किटो जब भी किसी जानवर को काटेगा या ह्यूमंस को काटेगा तो उसका DNA उसके पास होता है, तो उसके जरिए अगर किसी भी मच्छर को ट्रैक करके ये पता किया जा सकता है कि इसने किन किन लोगों को अफेक्ट किया है। तो ये तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है मॉस्किटोज के हॉटस्पॉट को लोकेट करने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए। तो इस तरीके से जो इस्तेमाल है, जो एप्लीकेशन है, जितना ज़्यादा AI का इंडिया में किया जा सकता है उतनी फेवरेबल कंडीशन दुनिया में बहुत कम देशों में है। इंडिया ने अभी तक क्या किया है इस फील्ड में? हालांकि काफ़ी लेट में, बट इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका ध्यान AI की तरफ अभी है। डिजिटल इंडिया के बजट को डबल कर दिया गया है, IT मिनिस्ट्री ने भी एक AI कमेटी का गठन किया है, और जो गवर्नमेंट थिंक टैंक है नीति आयोग, उसको भी ये काम कहा गया है कि आप AI इनिशिएटिव के साथ कोऑर्डिनेट करिए।
नीति आयोग ने अभी एक एआई पार्टनरशिप भी अनाउंस की है गूगल के साथ, एक उन्होंने व्हाइट पेपर भी रिलीज़ किया है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे। तो ये कुछ काम किए जा रहे हैं एआई के फील्ड में इंडिया में। कंक्लूजन में यही कहा गया है कि अगर सुंदर पिचाई सही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतना ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगा जितना कि इलेक्ट्रिसिटी, इंडिया अगर इस फील्ड में अच्छा काम करता है तो डेफिनेटली आने वाले समय में 21वीं सदी में इंडिया एक ऐसा देश होगा जिसको महत्व दिया जाएगा। और अगर हमने सही तरीके से काम किया तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी को बहुत तेज़ी से बढ़ा देगा, जिससे हम लोगों के जीवन को बचा पाएंगे, लोगों को नई लाइवलीहुड, नई आजीविका का साधन भी दे पाएंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर देखा। क्वेश्चन आपके लिए है, हाउ कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुट इंडिया, यहाँ पर एन गलती से आ गया है, आप इसे इंडिया समझिए, इंडिया इनटू द ब्लॉक ऑफ डेवलप्ड नेशंस। डू यू थिंक इंडिया हैज़ मोर स्कोप फॉर एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिस्कस करना है आपको 250 शब्दों में। अगला आर्टिकल देखते हैं, लुक हुज स्टार्टिंग अप, पेपर 3 से टॉपिक को जोड़िए, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट। देखिए, ग्लोबल स्टार्टअप लैंडस्केप में अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज डोमिनेट करती हैं, हालांकि जो चेंज है वो दिखाई पड़ रहा है। आइए चर्चा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में एक इंटरेक्टिव सेशन ऑर्गेनाइज किया स्टार्टअप के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर, जहां पर उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की इंपॉर्टेंस पर फोकस किया। इसके लिए हमने 2016 में स्टार्टअप इंडिया स्कीम भी लॉन्च करी थी। हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि जो एजुकेटेड यूथ हैं उनको जॉब क्रिएटर्स बनाया जाए, ना कि जॉब सीकर्स। देखिए क्या सिचुएशन है वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्टार्टअप्स की। स्टार्टअप का जो पूरा डोमेन है वो डेफिनेटली वेस्टर्न कंट्रीज़ डोमिनेट करती हैं, फिर भी जो चेंज है वो दिखाई पड़ रहा है, जो बात हमने पहले की। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जो 2018 है वो बताती है कि यूएसए अभी भी स्टार्टअप के फील्ड में एक लीडर है, क्योंकि जो 41% ग्लोबल स्टार्टअप्स ओरिजिनेट हो रहे हैं वो यूएसए में हो रहे हैं। चाइना हालांकि काफ़ी नज़दीक है ऑन 35%। ग्रांट थॉर्नटन एसोचैम अपनी रिपोर्ट में बताता है कि लगभग 10,000 स्टार्टअप इंडिया में एट प्रेजेंट हैं, जिनका 43% टेक बेस्ड वेंचर्स हैं। 800 स्टार्टअप अभी इमर्ज हो रहे हैं। बेंगलुरु देखिए एक इमर्जिंग हब है स्टार्टअप्स के लिए। इसके अलावा जो स्टार्टअप्स हैं वो अब सोशल डेवलपमेंट के स्पेस में भी कदम रख रहे हैं, जैसे कि बेंगलुरु बेस्ड बाइजू है, वो लार्जेस्ट एजुकेशनल का टेक कंपनी है जो लर्निंग एप्स प्रिपेयर करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए वीडियोज लेक्चर्स देते हैं। इसके अलावा 3 क्री इन्ग्रेडियंट्स हैं जिनके ज़रिए आप ये पता कर सकते हैं कि स्टार्टअप का इकोसिस्टम किसी भी देश में कैसा है। तो आइए इन्हीं पैरामीटर्स पे हम जज करते हैं इंडिया को। देखिए 3 पैरामीटर्स हैं जो कि स्टार्टअप के ग्रोथ को डिटरमाइन करते हैं। पहला है टैलेंट। इंडिया में डेफिनेटली टैलेंट की कोई कमी नहीं है, देयर इज़ नो डर्थ ऑफ टैलेंट इन द टेक्नोलॉजी स्पेस। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था, जब भी आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं तो आप कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, कई बार आपके पॉइंट्स बहुत ही जनरल होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में आंसर्स लिखते हैं या फिर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप बहुत जनरल स्टेटमेंट देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे हम टैलेंट का पैरामीटर ले रहे हैं और आपने बोला कि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये बात आप कह सकते हैं और कोई और भी कह सकता है। आखिर जो एग्जामिनर है वो क्यों माने कि आप सच में जानते हैं कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है? उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं। सिर्फ इतना कह देने से आपका पॉइंट कंप्लीट नहीं होगा, आपका आर्ग्यूमेंट कंप्लीट नहीं होगा, उसके लिए आपको एग्जाम्प्लीफाई करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। आप इसके बाद लिखिए, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग इंडिया के पास लगभग 2.6 मिलियन स्टेम ग्रेजुएट्स हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, जो कि चाइना के जस्ट बाद है। जब आप ये लाइन लिखने के बाद ये लाइन लिखते हैं तो एग्जामिनर समझ जाता है कि आपने कोई नॉर्मल सी बात यूं ही नहीं कह दी है, बल्कि आप सच में जानते हैं कि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और आप इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जामिनर कंपेल होगा कि वो आपको मार्क्स दे। तो मेरे से यही सवाल पूछा जाता है बार बार कि आखिर हम कैसे एग्जाम्प्लीफाई करें, कैसे अपने आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटेंशिएट करें, कैसे अपने आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई करें। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, उसके लिए आपको अपना नॉलेज बेस बढ़ाना होगा, और वो बढ़ता है ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने से। यहाँ पर आप नोटिस करते हैं कि अच्छा, इस आर्ग्यूमेंट को इस तरीके से जस्टिफाई किया गया। बिकॉज देखिए, जब आर्टिकल लिखने वाले लोग आर्टिकल लिखते हैं तो बिना जस्टिफिकेशन के नहीं लिखते, वो जस्टिफाई करते हैं अपने आर्ग्यूमेंट को, और वहाँ से आप सीख सकते हैं कि कैसे आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई किया जाता है। और एक्चुअली में जैसा मैं बात कर रहा था कि हमारा ऑब्जेक्टिव स्पून फीडिंग नहीं है, हम चाहते हैं कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप हो, जैसा कि मैंने एक कोटेशन डिस्कस किया था। तो एनालिटिकल एबिलिटी ऐसे ही डेवलप होती है कि आप चीज़ों को पढ़ते हैं और समझते हैं, नोटिस करते हैं। एक पॉइंट और भी है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने अभी 13 स्टार्टअप सेंटर्स को अप्रूव किया है, 6 रिसर्च पार्क टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी अप्रूव किए हैं। इसका मतलब हम इस फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। थ्राइविंग सिटीज़, अच्छी सिटीज़ होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि स्टार्टअप ग्रो करे। तो इंडिया में
जो डिजिटल सिटी सर्वे है वो बताता है कि बेंगलुरु, न्यू दिल्ली और मुंबई टॉप हैं लिस्ट में, जहां पर लोग प्रेफर कर रहे हैं टेक्नोलॉजी हब के रूप में। हालांकि कुछ छोटी सिटीज़ भी हैं या फिर कुछ अदर सिटीज़ भी हैं जहां पर लोग इंटरेस्टेड हैं, लाइक पुणे, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़, मैसूर। इवन पीएम ने खुद भी कहा, जो हमारे ऑनरेबल पीएम हैं, कि स्टार्टअप्स को केवल बिग सिटीज़ पे कन्फाइंड नहीं रहना चाहिए, स्मॉलर सिटीज़ की तरफ भी उनको फोकस करना चाहिए। तीसरी बात आती है कैपिटल, पैसा होना चाहिए अगर आप स्टार्टअप को डेवलप करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा बॉटल नेक है, सबसे बड़ी दिक्कत है। इसके लिए भी हमने काम किया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लगभग ये कहा गया था कि 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा स्टार्टअप को डेवलप करने के लिए। 6.5 मिलियन का लोन 10 लाख रुपए के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है स्टार्टअप्स के लिए। तो कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं स्टार्टअप को डेवलप करने के लिए। अभी देखिए इंडिया में और क्या क्या काम किए गए हैं। वेंचर कैपिटल बहुत अच्छा मैकेनिज्म होता है, अच्छा अल्टरनेटिव होता है स्टार्टअप को डेवलप करने के लिए। क्या होता है वेंचर कैपिटल? वेंचर कैपिटल कोई इंडिविजुअल या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है जो किसी अच्छे आइडिया के लिए फंड करते हैं। आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, आप एक वेंचर खोलना चाहते हो, एक कंपनी खोलना चाहते हो, बट यू डू नॉट हैव फाइनेंस। तो वेंचर कैपिटल, अगर उनको आपका आइडिया पसंद आता है, उन्हें ऐसा लगता है कि इससे प्रॉफिट होगा, तो वो आपको फंड कर देते हैं। तो अभी देखिए जो ग्रांट थॉर्नटन रिपोर्ट है उनके हिसाब से भारत में लगभग 660 वेंचर कैपिटल्स हैं, और 2017 में जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें $17 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वेंचर कैपिटल के द्वारा किया गया है स्टार्टअप्स की में, और आने वाले समय में ये 70% तक बढ़ने की संभावना भी है। सेबी ने भी हाल ही में जो वेंचर कैपिटल के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको लिबरलाइज कर दिया है ताकि और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। सिडबी ने एक फंड ऑफ फंड स्टार्टअप के लिए क्रिएट किया है 10,000 करोड़ के इनिशियल कॉर्पस के साथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ एग्जेम्पशंस दिए हैं इनकम टैक्स में, कैपिटल गेन टैक्स में 3 साल के लिए, ताकि और ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जा सके स्टार्टअप्स को। और फिलान्थ्रॉपिक जो परोपकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे टाटा ट्रस्ट, उन लोगों ने भी इनिशिएटिव लिया है कि जो नए आइडियाज़ हैं स्टार्टअप्स हैं उनको फंड किया जाए। तो ये कुछ तरीके हैं जो अभी किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं कि जो स्टार्टअप है उनको हम इंसेंटिवाइज कर सकें। वे फॉरवर्ड, हमें आगे क्या करना चाहिए? हमें स्टार्टअप जो हब है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए ताकि हम ग्लोबल ट्रेंड के हिसाब से काम कर सकें। हम 20 टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उन्हें नेशनल स्टार्टअप हब डिक्लेयर कर सकते हैं ताकि वहाँ पर लोग जाके इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। हम इंडियन आईटी रिवॉल्यूशन का इंडिया पायोनियर रहा है, तो वहाँ पर जो बहुत सारे टेक्नोलॉजिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा हम ले सकते हैं, उसके ज़रिए मेंटरशिप दी जा सकती है नए स्टार्टअप्स के लिए। हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं जहाँ पर जो NRIs हैं वो इन्वेस्टमेंट अपना दे सकते हैं स्टार्टअप्स के लिए, और हमें कुछ रिस्पॉन्सिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करना होगा, क्योंकि देखिए जो टेक्नोलॉजी लैंडस्केप है वो काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है और उसके हिसाब से हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो कुछ वे फॉरवर्ड यहाँ पे बताया गया है। क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट इज स्कोप ऑफ ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया, हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रेंथनिंग एन इकोसिस्टम फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप्स। एक्सप्लेन करिए 200 शब्दों में। इंटरव्यू के लिए देखते हैं आज हमारे पास क्या है। क्या आपको लगता है कि आर्टिकल 370 को रिपील कर देना चाहिए? इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है कि आप बताइए कि सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की कुछ सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशंस क्या हैं। दोनों क्वेश्चन को अगर आप रिप्लाई कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन।